हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डांगियावास थानांतर्गत खेड़ी सालवा गांव में बुधवार दोपहर स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के बाद पोतों को स्कूल से घर ले जा रहे वृद्ध दादा को तीन युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तीनों हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। डांगियावास थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि खेड़ी सालवा गांव निवासी थाना राम दोपहर करीब 2:30 बजे स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के बाद पोतों को स्कूल से लेकर मोटरसाइकिल पर थाणी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में बाइक सवार तीन नकाबपोश युवकों ने थाना राम पर फायरिंग कर दी। एक गोली सिर में लगने से वो अचेत होकर गिर गए। गनीमत रहे कि बच्चों को गोली नहीं लगी। लहूलुहान होकर गिरते ही हमलावर मौके से भाग निकले। ग्रामीणों ने परिजनों को सूचित कर गंभीर घायल थाना राम को मथुरा दास माथुर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवाया गया। उधर वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रत्यक्षदर्शियों के बताए अनुसार मोटरसाइकिल सवार युवकों की तलाश में जिले भर में नाकाबंदी करवाई। हमलावरों के जीजावाल की तरफ भागने का अंदेशा है। फिलहाल किसी भी हमलावर का पता नहीं लग पाया है। पुलिस का कहना है कि कई सालों पहले पुलिस में दर्ज एक मामले को लेकर वृद्ध का किसी से विवाद चल रहा था, इसको लेकर हमले की आशंका जताई जा रही है। हमलावरों की तलाश जारी है। चेनाराम धनाराम जी का पुत्र, मेरे पापा के आज मेरे पिताजी का मर्डर हुआ है। वो खेड़ी गांव गए थे बच्चों के स्कूल में और मेरे भाई के बच्चे उनके साथ में थे। मेरे पिताजी की पोत्री और पोतरा उनको लेकर घर की ओर आ रहे थे तो रास्ता रोक के चार जनों ने दो मोटरसाइकिलों पे चढ़ के उनकी साथ मारपीट करके सिर में गोली चलाई और उनकी मौके पे ही डेथ हो गई। तो हमारे जो पुरानी रंजिश हमारे जन्म से पहले की बता रहे हैं गांव में, उसी रंजिश पर हम शक कर रहे हैं कि भाई उन्होंने ही मेरे पिताजी की मर्डर किया है। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।